तो ये तो बातें थी सारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सारी आपको एज एन इन्वेस्टर भी बताई थी कि इसमें आपको क्या रिटर्न मिल रही है। तो बताओ बच्चों, शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे या डिबेंचर्स में? बोलो बेटा, कौन बोलेगा? परी, डिबेंचर्स, शेयर्स? शेयर्स, शेयर्स। आपने बोला डिबेंचर्स। आंसर है, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द, ऑन व्हाट? ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो यू शुड गो फॉर शेयर्स। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लो है कि नहीं नहीं ज्यादा सरदर्दी नहीं पालनी, पैसे सिक्योर्ड रहने चाहिए, तो फिर यू शुड गो फॉर डिबेंचर्स। जब आप शेयर्स खरीद रहे हैं, व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन शेयर्स? शेयर्स पे क्या रिटर्न मिलती है? एक रीजन होता है डिविडेंड, और जो सबसे काम की चीज होती है वो होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है क्या? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मेन रीजन तो ये होता है शेयर्स खरीदने का कि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई शेयर 100 रुपए का लिया, कंपनी ने अच्छा किया, वो शेयर 200 का हो गया। 100% रिटर्न। सेविंग बैंक में पैसे डालते हैं तो साल के मिलते हैं 4%, 5%। FD कराते हैं तो साल के मिलते हैं 7 to 8%। डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो साल के मिलते हैं 11 to 12%, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। 11 to 12% साल के, डबल, ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ FD। रिस्की है, FD ज्यादा सेफ है। बट शेयर्स में एक दिन में भी 10% शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, एक दिन में 20% भी बढ़ सकता है, गिर भी सकता है, गिर भी सकता है। तो बोथ वेज मूवमेंट हो सकती है, बोथ वेज मूवमेंट हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एज एन इन्वेस्टर। शुड यू इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिविडेंड वो भी फिक्स्ड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स में होता है, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में फिक्स नहीं होता। बट डिविडेंड के लिए आज की रेट में कोई खरीदता भी नहीं है शेयर, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लेता है। तो सर करना क्या चाहिए वैसे? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहता है कि आप भी मिक्स मेंटेन करें, कि कुछ शेयर्स में डालें, कुछ FD में डालें, कुछ गोल्ड में डालें, कुछ प्रॉपर्टी में डालें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, और रिस्क एज पे भी डिपेंड करता है कि यंग एज में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई हो सकती है, ओल्ड एज में तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है शेयर्स के प्राइसेस गिर गए, अब वेट करो 5 साल, वेट करो 5 साल, मेरी एज तो 65 है, तो मतलब ये पैसे तो फिर मेरे बच्चे ही यूज करेंगे, मैं नहीं कर रहा वेट, तो लॉस पे बेचो फिर। लेकिन अभी आप 25 साल के हो, अरे कोई बात नहीं है, कमा लेंगे, क्या हो गया? हो गया नुकसान, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिला, एक्सपीरियंस ही मिला, पैसे तो गए। तो लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी तो और बहुत कमाएंगे, और बड़े रिस्क लेने हैं, तो वो एक्सपोजर भी जरूरी होता है। बट अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर। तो चलो, मतलब वैसे आपको बताऊं कि शेयर मार्केट कितनी बड़ी चीज है। आपके हिसाब से एक दिन में, एक दिन में
स्टॉक मार्केट पे कितने रुपए का ट्रेड होता होगा? जस्ट वाइल्ड गेस, एक दिन में कितने रुपए का ट्रेड होता होगा शेयर मार्केट पे आपके हिसाब से? अरे कुछ भी बोल दो, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, 1 लाख रुपीज, इससे तो मैं करता देखता हूँ। रुपीज रुपीज में बातें करें समझ आएंगे हमें भी, फिर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, वो INR है या डॉलर है। 1 करोड़, नॉट लेस देन 20,000 करोड़, नॉट लेस देन 20,000 करोड़, मतलब ये तो नॉर्मल डेज पे, कभी कभी ट्रेड ज्यादा हो जाता है तो 50-50,000 करोड़ भी एक दिन में, 50,000 करोड़ एक दिन में ट्रेडिंग हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो नॉलेज होनी तो जरूरी है, जब करोगे तब करना, बट एटलीस्ट वोकैबुलरी तो स्ट्रांग हो। ये इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ आईपीओ क्या होता है, अब आगे टर्म तो कर लेते हैं, आईपीओ क्या होता है बता सकते हैं आप? यश, इनिशियल आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी किसी टाइप ऑफ शेयर को फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है तो आईपीओ के थ्रू करती है ना, इस कंपनी का जोमेटो का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक होता है एफपीओ, एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर्स, फर्स्ट टाइम नहीं ऑलरेडी इशू थे, अब और इशू कर रही है, कि पहले 100 करोड़ थे अब 100 करोड़ और इशू कर रही है, तो अगर एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर्स हैं तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो प्लीज, इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी।